ये वाला बटन ऑन ऑफ, मैंने इसको प्रेस किया तो ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसका नाम व्याबी MTS 6000A, व्याबी कंपनी का है, और जो मॉडल है वो 6000A मॉडल है। इसकी जो कैपेसिटी ऑफ रेंज है ये 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, वहाँ तक ये हमें चेक करके बता सकता है। रिफ्लेक्शन इसको क्यों कहता है कि जब जाएगा तो वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो हमें बताएगा कि हाँ भी वहाँ पर कहाँ पे आपका केबल जो है वो कट गया। रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्ट होकर आना, OTDR ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ये जो पॉइंट है ये इसका स्पीकर है, जो बजर के लिए आवाज हमें सुना रहा होता है। इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर, मैं इसको तो इसके ऊपर VFL लिखा होगा, लेकिन मैंने कार्ड लिया नहीं वो वाला, इसलिए इसके ऊपर VFL की सहूलत नहीं है। इसको मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास ये वाली जो है ना वो मिनी USB की पोर्ट है, ये हैंड फ्री लगाने के लिए ये USB पोर्ट्स हैं, या आपके पास RJ45 केबल होती है उसको लगाने के लिए कार्ड, तो ये हमारे पास SD कार्ड लगाने के लिए पोर्ट अवेलेबल हैं। तो इनमें से हमारे पास जो है ना, या तो हम हैंड फ्री को वो इसकी सिर्फ साउंड को थोड़ा बहुत सुनने के लिए वो हम लगाते हैं, बाकी इसमें कोई ये इसके ऊपर जो है वो टच पैन मौजूद है जिससे हम स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं। ये वाला जो मौजूद है ये जैक, अगर आप इसको कवर को पूछे करें तो नीचे ये वाला पॉइंट जो है वो इसके अडाप्टर को लगाने के लिए मौजूद है, तो इसको चार्ज भी करना है तो इसके अडाप्टर लगाया जाएगा यहाँ पर। उसके अंदर पिने एक तरफ से उनकी विड्थ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, उस जैक को लगाते हुए ये ख्याल ज़रूर रखना है कि वो किस तरह लगाना है उसमें। ये जो नीचे है आपके पास, इधर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये दो पेच हैं, इनको आप खोलेंगे तो यहाँ पर इसके बैटरी मौजूद है, इसको बाहर निकाल के देख सकते हैं कि वो बैटरी कैसे चल रही है इसमें। ये इसका सबसे पहले, जब भी आपने किसी भी OTDR फील्ड के अंदर, हो सकता है इससे छोटे साइज का OTDR हो, आपने जब भी इसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद ये होम की जो है इसको प्रेस करना है। होम की के ऊपर आपके पास ये वाली जो डेस्कटॉप जब हम जा सकते हैं, ये वाली स्क्रीन आपकी मेन स्क्रीन आ जाएगी। पहला जो है पॉइंट वो एक्सपर्ट OTDR का है, सेकंड पॉइंट आपके पास स्मार्ट OTDR का है, थर्ड आपके पास सोर्स मीटर है, फोर्थ आपके पास है ना वो पावर मीटर है, ठीक है। बाकी जो ऊपर है ये इसकी अपनी सेटिंग्स है कि आप टाइम डेट समथिंग जो है ना वो सारा वो सेट करना, वो इसके अंदर सेटिंग अपनी। हमारा काम इस वाले हिस्से के ऊपर होता है जहाँ से हमने सेटअप करना होता है। साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसका डस्ट कवर हम रिमूव करते हैं तो ये वो कनेक्टर लगाने की जगह मौजूद है, पोर्ट मौजूद है जहाँ पे हमने कनेक्टर लगाना, और यहाँ पे कनेक्टर लगेगा SC कनेक्टर लगेगा, SC कनेक्टर। अगर मैं इसके साथ ये वाली जो मैं अगर इसको माइक्रोस्कोप को यूज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पे किसी एक पोर्ट को इसको लगा, जैसे मैंने लगाया तो यहाँ पे इसका एक आइकन आ जाएगा जी, ठीक हो गया। अगर मैं यही चीज इसके साथ करता जो सेकंड मेरे पास थी, इसकी बेस के ऊपर ऑन तो होगा लेकिन उसके साथ उसका आइकन नजर नहीं आएगा, इसका मतलब ये कंपैटिबल नहीं है इसके साथ। पावर तो उसको दे रही है लेकिन उसके साथ कंपैटिबल ये नहीं है। अब सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं फिर बाकी चीज़ें उसको देखते हैं। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे ये वाला आइकन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं देखो किसी को भी जाता हूँ तो सिर्फ उस पर लिखा हुआ आ रहा है, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसका हमने सिलेक्शन की है, अब इसके बाद दोबारा मैं फिर इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो येलो कलर का होगा। जब तक ये येलो कलर नहीं जाएगा वो फंक्शनैलिटी ऑपरेट नहीं होगी।
अब इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर स्टॉप जो जो मेरे पास है रिजल्ट का मैं उसके ऊपर गया, उसने मुझे उसका रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। ये आइकन जब तक ऊपर तक ना आए, ये लाइन जो ऊपर तक ना आए उस तक ये रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब मैंने क्या करना, टेस्ट कर लिया, मैं इसको टेस्ट के बटन पे ले जाता हूँ। रेड लाइट ऑन हो गई, उसने टेस्ट किया, टेस्ट के अंदर उसने रिजल्ट बता दिया कि ये पास है, इसमें से ये जो है ना इसका। अब मैंने कहा था कि उस वक्त तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयली पार्टिकल्स आ रहे थे जिससे हमें पता चल रहा था, लेकिन अब वो रिमूव हो गए। अब उसने देखो इसको सारी को पास कर दिए, इसका मतलब है कि ये पैच कार्ड अब इस्तेमाल के काबिल है। इसको हमने एज ए ओ टी डी आर के साथ अटैच करके देख लिया, क्लियर। मैं इसको रिमूव कर दूंगा, वापस मैं होम की पे वापस आ गया, वाइकन उसका ख़त्म हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? सेकंड चीज, अब नीचे ये वाला जो है एक्सपर्ट ओटीडीआर, हमेशा याद रखें जब भी केबल को टेस्ट करना आपने, फाइबर को टेस्ट करना आपने, ये कॉपर के लिए नहीं है, कॉपर के लिए एमटीडीआर होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए तो फिर ओटीडीआर है, ठीक है। जब भी केबल के ऊपर टेस्ट कराना है आपने एक्सपर्ट ओटीडीआर को ऑन, क्या ये ऑन हो गया? नहीं सर। इसको मैं दोबारा टच करता हूँ, नहीं अभी आप इसने सेलेक्ट किया जी। जब मैंने एक्सपर्ट के ऊपर काम करने लगा हूँ तो मुझे यहाँ पर आकर कुछ सेटअप करना पड़ेगा। इधर आपके पास सेटअप की मौजूद है, ठीक है, मैं सेटअप को प्रेस कर देता हूँ। सेटअप करने के अंदर हमें यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कीजिए, अगर आपके पास केबल है, क्या लगे जी, एक से डेढ़ किलोमीटर की है तो आप उसे रेंज डबल रखना। जैसे मेरे पास ये स्कूल जो है वो डेढ़ किलोमीटर है तो मैं रेंज इसे डबल रखूँगा, फाइव किलोमीटर फोर किलोमीटर रख लूँगा, तो उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे कि आप लेज़र कौन सी के ऊपर काम करना चाहते हैं, ऑल पे करना चाहिए या आप 1310 के ऊपर या 1550 के ऊपर। तो हमने 1310 वाली यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हम 1310 को इसमें सेलेक्ट करें। अगर ऑल कर देंगे तो ये दो दफ़ा चलाएगा, एक दफ़ा 1310 के लिए, एक दफ़ा 1510 के लिए। ये उसके डाउन जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, आपके लिए ये है जो हमारे पास सिंगल मोड है उसके ऊपर 1310 और 1490 या 1550 है, और जो हमारे पास मल्टी मोड है उसके ऊपर 800 1350। ठीक हो गया, उसके बाद एक्विजिशन पे आ जाएं। एक्विजिशन अगर आप कहते हैं मैनुअल, तो अगर मैं देखें इसको ऑटो पे करता हूँ, नीचे वाले ऑप्शन कुछ ख़त्म हो जाएंगे जी, लेकिन इसको मैनुअल कर लेना बेहतर है, ताकि ऑटो के ऊपर तो ये खुद ही जितना मर्जी जो जो करना है इसने खुद ही करना, लेकिन हम इसको ऑटो पे नहीं मैनुअल पे करते हैं। मैनुअल पे किया, नीचे उसने रेंज पूछ ली मुझसे, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर सेट। अब उसने रेंज मुझसे पूछी, मेरे पास पूल कितना है? 2 किलोमीटर का, मैं उससे बड़ी रेंज रखूंगा, 3 4 5 के, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो रेंज के अंदर मेरे पास क्या है, ऑटो भी है। अगर मैं ऑटो को सिलेक्ट करूँगा तो खुद ही सिलेक्ट करता रहेगा रेंज, अगर नहीं तो 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो इसमें मतलब 5 किलोमीटर को सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास 2 किलोमीटर तो ही है ना, तो इसमें ऑप्शन यही आ रही थी। उसके बाद पल्स, अब जितनी बड़ा स्पैन होगा हम उसके लिहाज से पल्स भी बड़ी रख लेंगे। जैसे किसी बंदे से कहा जाए कि इस दीवार से उस दीवार तक तुमने चलना है तो कितने कदम जो है ना वो कैसे लेके चलोगे, तुमने हर लाइन के ऊपर जो टायर की लाइन लगी उसके ऊपर चेक करना कि ये सही लगी कि नहीं। अब वो उसके चलने का नाम ये होगा ना, खुरा लबन ठीक है ना। अब एक चीज़ है कि यार पूरे पिंड के गिर तू चक्कर ला सा दस भी मज कढ़ के गई कितने हो, हूँ एन तो नहीं चलेगा, वो चलेगा इतने जिते जाके उन्हें वेखना ना, वो जानता जो बंदा जा रहा ना वो अपना पाँव ऐसे कर देना, उसका मतलब क्या होता है कि भी तू लभ सू लिया है तो सा मुक गया, क्योंकि पहुँच जाते थे वो। तो ऐसे ही बड़ा स्पैन है
तो आपने पल्स बड़ी सिलेक्ट करनी है। छोटा स्पैन है तो छोटी छोटी पल्स, अब क्योंकि हमारे पास 2 किलोमीटर तो बहुत शॉर्ट सा डिस्टेंस है, हम इसको सबसे पहले भेजो आपके पास 5 नैनोसेकंड वाली है वहाँ इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है रेजोल्यूशन उसकी वो ऑटो पे रखी जाती है, खुद ब खुद उसकी रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर देंगे। नीचे आके टाइम कितना लगे इसको सिलेक्ट करके आपने बताना टाइम। अब हमारे पास छोटा सा स्पूल है, उसे कहते हैं यार शॉर्ट सा टाइम रख लो कोई 10 सेकंड का रख लो, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है लॉन्च केबल होती है लास्ट पे लिखी हुई, और लॉन्च केबल से मतलब आप अपनी केबलों के नाम होते रखे होंगे कि कौन सी केबल किधर को जा रही थी, कौन सी केबल किधर को जा रही है, आप उस केबल को चेक करना है, आप उसको सिलेक्ट करें, उसका नंबर वहाँ पे लिख दें कि इस लॉन्च केबल को हमने चेक किया हुआ है। ये करने के बाद आप वापस होम पे आ जाए, ये सिलेक्शन हो गई अब, ठीक है, होम पे आ जाए, फिर चेक कर लें कि मैं जिसके ऊपर रन करने लगा हूँ सिस्टम वो एक्सपर्ट OTDR एक ही सिलेक्ट है कि नहीं है। हम देखा वो एक ही सिलेक्ट है। अब इस स्पूल को हमने लिया जो 2 किलोमीटर का है, ये हमने इसका कवर रिमूव किया और इसके साथ इसको अटैच कर दिया। क्लियर यहाँ तक बात? जी सर। अब मैं ये टेस्ट रन करने वाला बटन जो ग्रीन है इसको मैं प्रेस करता हूँ। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ उससे पहले मुझे इसकी फाइल भी बुला लेनी चाहिए कि कल को मुझसे कोई साफ पूछ ले फाइलों जो ड्रेस ऐसा कितने जे, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ इसकी फाइल बना लेता हूँ। मैं आता हूँ फाइल के अंदर, ये मैंने फाइल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये पहले पुराने ट्रेसर हमारे पास है, क्रिएट डायरेक्टरी, यहाँ पे आप चलिए इसके आगे बना लेते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं क्रिएट डायरेक्टरी। मैं इसको जैसे सिलेक्ट करूँगा ये मेरे पास आम जैसे कीबोर्ड है वैसे ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं फाइल का नाम रखता हूँ, फाइल का नाम हम रख लेते हैं जी ग्रुप G11 जो है ना आपके पास, ये होना जी सर, चलो जी डैश कितने के है तो 11 के नाम रख लेंगे जी 11, ठीक हो गया। हमने क्या किया इसको एंटर कर दिया, अब ये हमारे पास G11 यहाँ पे बन गई, ठीक है, उसने अपनी एक फाइल बना ली, फिर हम निकल जाएंगे वहाँ पे। अब हमारे क्या काम हुआ, हमने उसके लिए जो जो सिलेक्ट करना था वो कर लिया, हमारी फाइल के अंदर अब रिजल्ट हमारा पहुँच जाएगा वहाँ पर। हम क्या करते हैं ये टेस्ट वाली जो की है इसको प्रेस कर देंगे, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा इसकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। सबसे पहले वो क्या करेगा टेस्ट को रन करते हुए, यहाँ पे अगर तो वो ग्रीन रंग शो करेगा तो कनेक्टर बेहतरीन है, अगर वो ब्राउन रंग शो करेगा तो कनेक्टर थोड़ा सा ख़राब है, और अगर वो रेड रंग शो कर देगा इसका मतलब कनेक्टर बहुत निकम्मा है। देखिए 10 सेकंड का टाइम था उसने दिया हुआ जी, अब ये देखें ग्रीन आया इसका मतलब कनेक्टर ठीक है। अब उसको चेक कर रहे हैं, उसने जो टाइम ड्यूरेशन लिया और टाइम ड्यूरेशन बताने के बाद उसने हमें रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट के अंदर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये सीधी लाइन जाए लेकिन यहाँ से ज़िगज़ैग शुरू हो गई। मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसके कर्सर पे आऊँगा ताकि मुझे कर्सर का पता चले कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर हम आएंगे, ये जो आपके पास कर्सर ए कर्सर बी, मैंने कर्सर ए को सिलेक्ट कर दिया, बी को मैंने ख़त्म कर दिया, इससे मैं कर्सर ए जो है इसको शुरू में लेके जाऊँगा, ये शुरू पे आ गया कर्सर ए, ठीक हो गया, एक चीज़ शुरू में चली सेकंड, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं कर्सर बी के ऊपर आ गया, अब मैं कर्सर बी के लिए आ गया हूँ, ये देखिए कर्सर ये वाला मूव कर रहा है ना, केबल यहाँ से मेरी कटना शुरू हुई है, जो ज़िगज़ैग बनना शुरू हुआ था ये ओवरलैप हुआ, ठीक है, जहाँ पर ये ओवरलैप हो गया
तो हमारा केबल यहाँ से कटा। अब ऊपर क्या लिखते हैं वो, पहली बात ये है कि बी कसर कितना पे 1923.14 मीटर, इसका मतलब है कि ये 1923 मीटर की केबल है जो हमारे पास ये फाइबर पड़ा हुआ है, 1923 मीटर का फाइबर है ये, और उसके ऊपर टोटल उसने लॉस कितना दे दिया हुआ है 0.88 डीबी लॉस है इसके अंदर। हालांकि 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के लिए सिंगल के ऊपर कितना बनना चाहिए था 0.35 कितना हो गया 7, ठीक है। और उसके बाद पीछे जो लॉस उसने लिया है वो इसके अंदर एक सप्लाइस लगा हुआ है और इसका अपना कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। उसने अपने कनेक्टर को छोड़कर सप्लाइस के ऊपर लॉस उसे पकड़ लिया, उसने कहा जितना आपके पास टोटल लॉस है। इस चीज को उसने नीचे ये बता दिया आपको 1,000 1.923 ये किलोमीटर में वो शो कर रहा है, जब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसने हमें बता दिया कि टोटल इसके पास जो है ना कितना लॉस है वो भी उसने बता दिया, ठीक हो गया जी, क्लियर। ये ट्रेसर लेने का तरीका कार है। अब आप इससे निकल के बाहर वापस आते हैं, मैं होम पे वापस चला गया। जैसे मैं होम पे वापस गया तो साहब है, हाँ भाई लिया था इसका ट्रेसर, जी सर लिया था। ट्रेसर कितने नो टेंशन, आराम से रिजल्ट पे आ जाए। सर ये बड़ा ऑर्डर लास्ट रिजल्ट है। ये कितने किलोमीटर का लॉसिंग ब्रेक थी उसने बता दिया हमारे पास 1923 मीटर। अब जो zigzag मतलब उस साल बस वहां से जहां से वो zigzag शुरू हुआ वहां से आपकी केबल कट गई। मतलब ये केबल है इतनी वो है, ये 2 मीटर का स्पूल है, 5 मीटर का, 500 किलोमीटर का, 600 किलोमीटर के स्पूल होते हैं जब हमने छोटी चीज को चेक करना था, लेकिन OTTR छोटी चीज को नहीं पकड़ पाती, फिर हम इसके साथ ये स्पूल लगा देते हैं जिससे हमें पता था कि इतनी दूरी के ऊपर जाके बल कटा हुआ है। समझ नहीं आई मेरे पास जो है वो पर ये फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला था ना वो मेरे पास कोई 10 मीटर था, हो सकता है ये 10 मीटर को ना हो जी। अब मैं 10 मीटर के लिए कैसे ढूंढूं, मेरे पास फासला भी जरूरी है, ढूंढना भी जरूरी है, कहाँ से अपने अंदर से रोड क्रॉस है पाइपों में से पाइप जी सर। मैं क्या करूंगा इसके आगे सप्लाईज करके ना तो ये स्पूल लगा, ये वाला जो लगा है यहां पे कनेक्टर, मैंने ये कनेक्टर लगा दिया OTTR के अंदर, इसने सेट किया यहां तक, ठीक है। उसने कहा जी आपके पास जो फासला बनता है वो आपके पास बनता है 2009 मीटर पे आपकी केबल कटी हुई। मैं क्या करूंगा उसमें से ये वाला जो 2 किलोमीटर का जो था वो मैं निकाल दूंगा, इसका मतलब मेरा 9 मीटर को बचा के बचा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो बाद में सिस्टम नहीं यूज करता उसको तो फिर हम उसको पकड़ने के लिए यही तरीका था हमारे पास। जैसे आप वो MTTR यूज करते थे तो लोग कहते सर जी 600 मीटर तक केबल कटी हुई है, तो 600 मीटर से जाके सी डिगिंग कर ली है। मैंने कहा 600 मीटर मेरी केबल कटी है, वो क्यों? मैं कहा यहाँ पे मीटर आपने मारा, कहते हाँ जी यहाँ से 600 मीटर के ऊपर है। मैं कहा 600 मीटर पे नहीं बल्कि 602 मीटर पे जाके मारो। भाई वो 2 मीटर क्यों आगे कितना है? मैंने कहा आपने इसके साथ जो केबल MTTR के साथ लगाते हैं वो भी 1.5-2 मीटर की, तो अपना उसके जो प्रॉब्स होती हैं वो तो वहीं पर पड़ी हुई है ना। फिर बाद दफा जब आप किसी के कैबिनेट के पास जाते हैं तो वहाँ पे हम 1.5-2 मीटर जब केबल रोल के नीचे वो भी आपने ध्यान रखना है, तो तब हम जाते हैं उस लाइन के ऊपर। क्लियर यार जी सर। अब यहाँ पे हम होम पे वापस आ गए। चंद दिनों बाद याद आया जब किसी ने और भी अपने इसके ऊपर स्टेटस चेक कर लिए थे, यार वो लास्ट टाइम जो आपने फ्लां केबल के ऊपर टेस्ट किया तो टेस्ट किया सर तो पता नहीं कितनी, फिर याद है मैंने इसकी फाइल बनाई थी। हम क्या करेंगे फाइल के अंदर चल जाएंगे। अब हमारे पास GA11 की ये वाली थी, उसके अंदर ये पड़ी, इसको हमने क्लिक किया लोड कर दें जी तो इसके साथ अगर मेरा प्रिंटर लगा होता टुकड़ा मैं वापस आ गया जॉब पे, चलो वापस नहीं लगा यार देना ठीक है कैंसिल प्रिंट ऊपर एक कोने में आ रही है। चल अब यहाँ पे मैं फिर मेन पेज पे आ गया। अब मुझे बताएं किसी को एक्सपर्ट OTTR चलाना ना आता हो तो समझ आई कुछ? थोड़ा सा आपको
क्रेडिट कार्ड करवाना था, बाकी मैं भी जहाँ से कभी आपको मौका मिलेगा ना, मेरे इस बंदे ने इस्तेमाल किया हो वैसे, क्योंकि बाहर जॉब करके आया बंदा, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी रेंज होती थी और माशाल्लाह गाड़ियाँ भगा भगा के वहाँ पहुँचना और फिर जाके वहाँ पे ढूंढना, फिर वो टाइम होता था आपका, ये टाइम है यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने का, वहाँ पे जाके कितना टाइम आपने लगाया वापस आओ, ये तो खत्म हो गया, कोई चीज नहीं, चल फिर दोबारा हो गया ये। चल अच्छा, अब आते हैं हम लोग सोर्स मीटर के ऊपर, ये सोर्स कैसे जनरेट करते हैं। नहीं जी, मैं सोर्स मीटर पे आ गया, सेलेक्ट हो गया। नहीं सर, अब सोर्स मीटर है, ये मेरे पास पावर मीटर है, क्योंकि सोर्स ने तो पावर जनरेट करनी है ना, तो मैं इसको इसके अंदर लगा दूं। कोई पावर आ रही है? कोई पावर नहीं आ रही। अब हम आते हैं इसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। ये 13:10 है, मेरी लेजर जो ऑन है उसके पास देखें चलेगी, यहाँ पे कितनी है? -7.5। वहाँ पे कितनी आ रही है? -6 से 7 तक गया वो, पहली बार 6 से 7, एक गया, क्यों गया एक? ठीक है ना, क्योंकि कनेक्टर लगा हुआ है, उधर भी कनेक्टर लगा हुआ है, और इसके अंदर जिस तरह का सेटअप यूज है वो हालांकि 20 से 30 मीटर की है, लेकिन लॉसेस इसके अंदर ज्यादा मौजूद है, तो इसलिए हमने, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो गया, अब कोई सोर्स नहीं उसके अंदर, कोई सोर्स आ रहा है इसके ऊपर? नहीं सर, कोई सोर्स नहीं। जैसे मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, उसने मुझे बता दिया कि हमारे पास 7 समथिंग आ रही है, तो इसको हम कहते हैं सोर्स मीटर। वापस आप होम पे चल जाएं, क्लिक करें, बेसिकली इसने बताया कि मैंने यहाँ से ये सोर्स भेजा था, आगे आपको वो सेम सोर्स मिला कि नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो लॉसेस है, ये लॉस जनरेट पता है। आगे पावर मीटर, अब इसके पास पावर आनी चाहिए ना, तो तभी कुछ पावर बताएगा हमें। हम क्या करते हैं, VFL ठीक हो गया, मैं इसको ऑन कर दिया, अब इधर आ जाती क्या आ रहा है यहाँ पे? -7 ठीक है, मैं इसको ऑफ करता हूँ, अब कोई चीज नहीं हो रही, ये इसका अपना है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, पावर बता रहा है कितनी, कितनी आपकी पावर इसको बता रहा है। ये वाली पावर आपने बताई थी ना, वो -12 से -25 से 25 ये होनी चाहिए, ये मतलब नहीं सही, ये सही है, बहुत अच्छा नहीं, हमें क्या पता इसमें सही है कि नहीं है, हमने तो इसकी पावर से चेक की जितने से सेंड की, बस लेकिन उसके पास पावर पहुंच गई। इसने अगर आप इसको ओएलटी के अगेंस्ट यूज करेंगे तो फिर उसको, अगर आपने ये सिर्फ आइकन आपका ऑन होगा तो आपकी जान बचनी है, अगर ये साथ, अब देखें ये सिलेक्ट है ना, अब जब आपने कहना यहाँ पे टेस्ट सारी कीज का पता चला गया, होम की है, एक्सपोर्ट जो है वो आपके पास इसका प्रिंट लेने के लिए, फाइल जनरेट करने के लिए, और सेटअप जो है ना वो जिस चीज के ऊपर आप रन करने लगे हैं कोई टेस्ट, तो उसके ऊपर सेटअप होता है। ये मुख्तलिफ कर्सर कीज हैं, आप उसको जूम करके बड़ा फिगर बनाना चाहते हैं, आप जूम इन करके उसको छोटे फिगर में लेना चाहते हैं, वो है ये बात, आपके पास रिजल्ट दिखाएगा और ये आपके पास है उसका टेस्ट रन कर देगा। जी सर, क्लियर? कोई सवाल? नहीं सर। इसको आपने थोड़ी देर प्रेस करना है, ये आ जाएगा शट डाउन।